तो ये हो गया अपना फैक्ट्री या फिर जो भी आप समझे। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा काम है वो ऐसा होता है कि हम कुछ पेड़ लगाते हैं या फिर उगाते हैं, और हो जाने पर बड़े तो उसके ट्रंक को हम साइज करके बेच देते हैं, या फिर जो ज़रूरत के हिसाब से उसके जो सामान है उसको हम बेचते हैं। तो अभी हमारे पास जो फार्म है वो दो है बेसिकली। ये पहले वाला फार्म जिसमें पेड़ लगाना अब चालू है, मतलब बोया जा रहा है। और आगे अगर मैं बात करूँ तो ये साइड हो जाते हैं, ये भी और एक फार्म है जिसमें भी कुछ पेड़ उगाया जाता है। दोनों में कुछ दोस्तों तो रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली कटाई चल रही है, आप देख सकते हैं। ये लॉग को काट के नीचे डाल देते हैं, और डालने के बाद ये यहाँ पे अपना जो गाड़ी वगैरह है, दो गाड़ी मैंने रखा है, तो ये बेसिकली पीछे अपना फैक्ट्री है। तो यहाँ पे उसका कटाई वगैरह सब कुछ होता है। तो मेरे पास ये दो गाड़ी है, क्रेन आप मान सकते हो, जो उस लॉग को उठा के यहाँ पे लाके छोड़ते हैं, थोड़ा साइड दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ दूसरा व्हीकल है जो उस लॉक को उठा के यहाँ पे लाके डालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसकी जो है ऊपर से जो छिलके होते हैं वो छिला जाता है, फिर उसको, ये दो मशीन है मेरे पास छिलके छिलने के लिए। छिलका छिलने के बाद फिर जो है यहाँ पे ये अपना मैनेजर है जो छिलका छिलने के काम देखते हैं। फिर ये जो गाड़ियाँ हैं आप देख रहे हो यहाँ पे लाके उनको रख लेते हैं। फिर दो गाड़ी मेरे पास है जो लेके आते हैं उस छिलके को, छिलके छिलने के बाद जो लॉक्स होते हैं उसको लाके यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास तीन मशीन है जिसपे बेसिकली आप देख सकते हो काम ये होता है कि उस लॉक को ये साइज कर लेते हैं, मतलब चारों तरफ से उसको हटा के इसके चार कोने में जैसे डिवाइड करके काटने वाला जो है वो बना देते हैं। ठीक है, तो वैसा एक साइज बना देते हैं स्क्वायर सा। तो यहाँ पे भी वही काम होता है, लेकिन और एक मशीन भी है मेरे पास, मैं दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये जो मशीन है इसमें वो स्क्वायर में काटते हैं, फिर उसके बाद ये जाके उसको और एक को चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पतले पतले से चार काट लेते हैं, चार में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके बाद जो यहाँ पे पार्ट्स रहते हैं उसको जो कटाई होने के बाद या फिर स्क्वायर में डिवाइड होने के बाद, तो और कुछ गाड़ी है जो यहाँ पे लाके, ये हमारा स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे रखा जाता है। तो ये बेसिकली स्टोरेज यूनिट हो गया। तो और यहाँ से कोई भी बाहर से डिलीवरी आता है, ये हमारा हो गया पैकेज रूम और पैकेजिंग रूम हो गया। तो मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया हमारा पैकेजिंग एरिया। इसमें बेसिकली वो लाके जो भी डिलीवरी के लिए आता है, कोई डिलीवरी वगैरह ऑर्डर आ गया तो यहाँ पे अपना गाड़ी जा रहा है डिलीवरी लेके, आप देख सकते हो। तो उस ऑर्डर को, ऑर्डर के लिए सामान यहाँ पे लाके पैकेजिंग रूम में पहले डाला जाता है, फिर उसके बाद जो सामान है वो जो डिलीवरी गाड़ी है उसमें निकाल दिया जाता है और डिलीवरी अपना बन जाता है। तो ये जो गाड़ी रेड कलर का आप देख रहे हो, ये बेसिकली कोई डिलीवरी का ऑर्डर आ गया तो यहाँ से स्टोरेज एरिया से वो उठा के ला के वहाँ पे वो पहुँचाने का काम करता है, और ये उसका मैनेजर है। तो बस यही है। तो अब देखते हैं कोई ऑर्डर वगैरह हमारे पास आया है क्या। एक ऑर्डर था जिसको हमने डिलीवरी कर दिया था। तो हमारा यहाँ पे दो तरह का ऑर्डर होते हैं, एक होता है आपका आरटी या फिर रिकरिंग ऑर्डर जिसमें ऑटोमेटिकली हर 20 सेकेंड में एक ऑर्डर आता है और ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट हो जाता है। उससे छोड़ के हमारे पास और एक न्यू ऑर्डर का ऑप्शन होता है जिसमें ऑर्डर को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें बेसिकली मल्टीपल ऑर्डर होते हैं और हम अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल 98 सेकेंड के लिए हमें वेट करना पड़ेगा उस ऑर्डर को पाने के लिए। अभी ये एक ऑर्डर पेंडिंग है, आप देख सकते हो इन डिलीवरी, मतलब भेजा जा रहा है और या फिर लोड वगैरह हो रहा है। 64.1 बिलियन का ऑर्डर है और इसमें इन्होंने 14 कैंट्स जो है वो मांगे हैं। ठीक है, तो हम वापस आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना खेती का कटाई चल रही है। और तो यहाँ पे अभी थोड़ा ब्लॉक्स वगैरह आए नहीं तो ये मशीन चले नहीं है। अब तो देखते हैं एक बार वो आ जाएंगे। अब देखो ये हो गया डिलीवरी, तो ये कटाई चालू होगी, यहाँ भी वर्क चालू हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पे भी अब कोई लॉक्स वगैरह यहाँ तक तो आए नहीं, तो
इन्होंने भी कोई कटाई वगैरह का काम चालू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक बार आ गया तो ये काम चालू करेंगे अपना। आप देख सकते हो ये चालू हो गया, तो आगे देखते हैं। तो ये अपने मैनेजर वगैरह खड़े हैं उनके लिए, और थोड़ा काम जो है वो धीमा चल रहा है क्योंकि अब बहुत देर से हमने कोई डिलीवरी वगैरह नहीं किया था। ये हमारा बेसिकली डिलीवरी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अपना डिलीवरी वाला एजेंट है, तो इसमें हमने रिकरिंग ऑर्डर एनेबल करके रखा है, लेकिन कुछ देर पहले हमने एनेबल नहीं किया था, तो इसीलिए कुछ ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा नहीं आया है। तो अभी जो ऑर्डर चल रहा है एक ही ऑर्डर, उसके ऊपर काम चल रहा है। अब दूसरा ऑर्डर हम एक्सेप्ट करने वाले हैं, एक तो है 81 रोल नंबर की, तो जिसमें हमें मिलेगा 4.1 ट्रिलियन। दूसरा हो गया 86 रोल नंबर, जिसमें हमें मिलेगा 3.7। ये थोड़ा प्राइस जच नहीं रहा है, तो हम इसी को एक्सेप्ट करेंगे 81 रोल नंबर 4.1 ट्रिलियन के। तो ये ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया, एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो अभी उसका डिलीवरी जो है वो उसका काम चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी उसका डिलीवरी का काम चालू हो गया, जो घटिया अपना सामान स्टोरेज से लेके पैकेजिंग रूम तक आता है तो वो आ रहा है। और यहाँ पे पैकेजिंग रूम के पास आप देख सकते हो अपना जो डिलीवरी गाड़ी है उसमें भरा जा रहा है। एक बार भर गया फिर उसके बाद डिलीवरी गाड़ी जो है वो निकल जाएगा कस्टमर के पास डिलीवरी करने के लिए। एक बार डिलीवरी गाड़ी जो निकल गया तो हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। तो अब देखो ये हमारे पास 2.4 ट्रिलियन का पेमेंट, मतलब हमने ये जो ऑर्डर है ये 4.1 ट्रिलियन का है, लेकिन हमने इसके 48 इसने 81 के लिए मांगा था, हमने 48 का डिलीवरी कर दिया, तो इसलिए हमें कुछ हिस्से पेमेंट का हिस्से मिल गया। अब पूरा डिलीवरी होने के बाद बाकी हिस्सा हमें मिल जाएगा। तो अब पूरा डिलीवरी के लिए अब लोड किया जा रहा है। अब देखो वहाँ से आ गया सामान, अब इसमें भरा जाएगा और हमारा ऑर्डर जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो अब सामान भर गया, अपना ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें हमें सामान पैसा वगैरह सब कुछ मिल गया है। तो अब थोड़ा बाकी हो गया काम देख लेते हैं। अब थोड़ा जो है अपने पास ये जो लॉक्स के ऊपर से छिलके हटाना वो थोड़ा धीमे चल रहा है, मतलब हमारे पास उतना ट्रंक है नहीं। जो है दो गाड़ियाँ हैं हमारे पास जो उस ट्रंक को लोड करके ला रहे हैं, और कटाई उतना ज़्यादा नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास टोटल 9 लोग हैं काटने के लिए। तो यही है, और बाकी ऑर्डर वगैरह यहाँ पे और एक ऑटो ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया है 683.1 मिलियन का, जिसमें 17 कैंट्स चाहिए। हमारे पास बेसिकली दो चीज़ें होती है, एक होता है कैंट्स जो स्क्वायर वाला होता है, और एक होता है रोल नंबर। एक कैंट्स को हम चार हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो रोल नंबर बनाने के लिए। रोल नंबर का मतलब यही है कि आप मान लो एक कैंट इक्वल टू 4 रोल नंबर। तो ये जो बंदे हैं यहाँ पे, ये लोग एक्चुअली कैंट से रोल नंबर को काटते हैं या फिर रोल नंबर बनाते हैं। आप देख सकते हो एक कैंट को ये चार चार पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब चार रोल नंबर बनते हैं। तो ये यहाँ पे कैंट बनते हैं, ये भी कैंट्स बनते हैं, और यहाँ पे बेसिकली इसमें कैंट जो बनता है वो आगे यहाँ पे रोल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर ये लोगों से रोल नंबर में काट लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक इन्वेस्टर आए हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमारे पास ये VIP इन्वेस्टर है, 1.4 ट्रिलियन का इन्वेस्ट करेंगे। तो ये गेम के हिसाब से अगर हमें इसे एक्सेप्ट करना है तो गेट पे क्लिक करना है, जिसमें एक ऐड देखना पड़ेगा, उसके बाद 1.4 ट्रिलियन हमारे पास इन्वेस्ट के लिए आ जाएगा। तो हम नहीं करेंगे, हम नो थैंक्स कर देते हैं। तो इन्वेस्टर भैया जो है उनका मुंह थोड़ा सूख गया और वो वापस चले गए। तो हमारे पास है कुछ पैसा, तो हमें अब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास और एक ऑर्डर चल रहा है, और एक ऑर्डर का ऑफर आया है। तो हम देखते हैं इसमें हमें 6 कैंट को अगर हम बेचते हैं तो हमें 220 बिलियन मिलेगा। इसमें 68 रॉ नंबर के लिए हमें मिलेगा 3.6 ट्रिलियन, तो इसी को हम एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, अपना गाड़ी चल पड़ा है सामान उठा के पैकेजिंग रूम की तरफ भेजने के लिए, और हमारा डिलीवरी गाड़ी भी आ गया, वो तैयार हो रहा है। तो यही है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा एक लैब भी है, आप देख सकते हो। और ये ड्राइंग रूम हो गया,
जिसमें सामान भीगे तो उसे ड्राई वगैरह करने के काम आते हैं, और ये साइड में उसका लाभ है। हमारे पास और एक स्टोरेज एरिया भी है, हमने रखा है एक नया स्टोरेज एरिया इस तरफ है। तो ये स्टोरेज एरिया बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा काम में लिए नहीं, और ये गाड़ी स्पेशली ये बंदा सो रहा है, ये स्पेशली हमने रखा है कि स्टोरेज एरिया के लिए कोई सामान बनाने वगैरह के लिए कोई सामान चाहिए, या फिर स्टोर करने के लिए कोई सामान वगैरह चाहिए तो ये गाड़ी से आएगा, ये उसका काम है। तो यहाँ पे बेसिकली ये हम स्टोरेज एरिया हो गया, जिसमें एक ट्रेन लाइन भी कनेक्टेड है सामान वगैरह के भेजने के लिए। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे डिलीवरी हो गया है, तो हमने 9 बिजनेस पॉइंट भी इसे हमें मिल गया है। तो और ये पास में कुछ जंगल है या फिर फार्म है जिसको हमने अभी तक एक्वायर किया नहीं है, तो फ्यूचर में हम करेंगे। हमारे पास अब बस 2 ही फार्म है पेड़ वगैरह लगाने के लिए या फिर उगाने के लिए, तो दोनों में ही हम कटाई वगैरह करते हैं, जो भी पेड़ बनते हैं उससे हम लॉग्स ला के फिर उसको छिलका छिल के फिर जो भी हम बना लेते हैं काट कूट के। तो अब ये डिलीवरी चल रहा है स्टोरेज एरिया में, ये पैकेजिंग का एरिया हो गया। इसमें और एक इन्वेस्टर आए हैं जो बोले 2.3 ट्रिलियन का करेंगे, तो हम लेंगे नहीं फिर भी, तो ये मुंह सुखा के जा रहे हैं। और ये साइड में एक अपना ऑफिस है जो कि सेल्स डिपार्टमेंट है। हमने अभी तक कोई अकाउंट मैनेजर वगैरह हमने हायर किया नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं बैठता, ये पूरा खाली है और बस एक ही जगह यहाँ पे है आप देख सकते हो, जो कि VIP एरिया के लिए हमने रखा है। जो कोई इन्वेस्टर वगैरह आएंगे तो यहाँ पे सोफा वोफा डाल के रखें, बैठ के बातें बातें होंगे। इसमें दो मतलब लोग हम रखे हैं या फिर दो एजेंट हम रखे हैं उनसे बात करने के लिए, और एक यहाँ पे ऑफिस बॉय करके है हमारे पास। और इन्हें छोड़ के हमारे पास कुछ मैनेजर्स भी हैं, जैसे ये मैनेजर है इसके काम को देखने के लिए, ये मैनेजर हो गया इसके काम को देखने के लिए, ये मैनेजर इसके काम को देखने के लिए, और ये हो गए मैनेजर इसके काम को देखने के लिए। हम उनके पास जाएंगे तो ये हमसे ग्रेट भी करेंगे, तो ये बेसिकली ये काम में बिजी है तो ग्रेट नहीं कर रहे हैं, ग्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैनेजर ये भी कुछ लिखा ही कर रहे हैं तो हमें ग्रेट नहीं कर रहे हैं, ये मैनेजर भी कुछ बिजी सा है तो नहीं, तो हम जब भी उनके पास जाते तो ग्रेट वगैरह करते। तो हर कोई बेसिकली अब काम चल रहा है तो बिजी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैनेजर है तो वो भी कुछ लिखाई वगैरह का काम कर रहे हैं, इसमें भी मैनेजर है जो लिखाई वगैरह का काम कर रहे हैं। ये मैनेजर हो गए अपना गाड़ी जो है उसको देखने के लिए, हमें ये हमें ग्रीट कर रहे हैं। तो इनको छोड़ने का बाद और हमारे पास अभी के लिए कुछ है नहीं, और फ्यूचर में हम बनाएंगे। एक ऑर्डर आया है एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक VIP आए हैं तो उनके ऑर्डर हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास दूसरे ऑर्डर है 43 रोल नंबर के लिए 2.3 ट्रिलियन, तो इसी को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ पैसा मिलेगा। तो ये बेसिकली हो गया। तो हमारे पास जो ये काटने के लोग हैं इनकी, तो हम जो है यहाँ पे नया पेड़ जो उगाते हैं वो वाला और एक बंदे को हम हायर कर लेंगे, हमने हायर कर लिया, 8 बंदे अब हमारे पास हो गए, पहले 7 थे, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी जल्दी पेड़ को उगाने में काम करेंगे। और दूसरा चीज़ जो है हम उनसे थोड़ा ट्रेन भी कर लेंगे, लेवल 23 का हमने बना लिया, ट्रेन करने से यही होता है कि वो जल्दी जल्दी पेड़ को उगाने में सक्षम बन जाते हैं। तो हमारा डिलीवरी हो गया, ये बिजनेस पॉइंट हमें मिला है 6, इसको ले लेते हैं। और एक डिलीवरी अब चल रहा है ऑटो वाला, 357 बिलियन का है। तो वो यहाँ पे और एक हमारे पास VIP भैया आए हैं 2 ट्रिलियन का, तो हम अभी कोई VIP एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें एडवर्टाइजमेंट देखना है, हम नहीं देखेंगे। तो ये बात है, तो ठीक है, बेसिकली फिलहाल इतना ही बात है ये गेम का।